मध्य प्रदेश में एक तरफ बारिश ने कहर बरपा रखा है तो दूसरी ओर मुआवजे को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। खंडवा में पीसी शर्मा और जयवर्धन सिंह ने सरकार पर मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया। हम तो मांग करेंगे कि इसमें तुरंत सर्वे की जाए और जो ऐसे पीड़ित किसान हैं उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, दुख की बात तो ये है कि इस भ्रष्ट सरकार को एक साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पिछले साल जो फसल खराब हुई थी सोयाबीन की, अभी तक उसका भी बीमा नहीं मिल पाया है। तो इसलिए आज किसान परेशान है। आप अगर देखें तो ऐसी काफ़ी यहाँ बड़ी पट्टी है जहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, उनने अधिकतर मक्का बोया है। मक्का का समर्थन मूल्य 1850 है, लेकिन आज मार्केट में रेट मक्का की लगभग 1000 रुपये है, जबकि भाजपा कहती है कि हमने MSP दे दिया, लेकिन ऐसा एक किसान है नहीं है जिसको MSP पे मक्का की खरीदी हो पाई है। तो अब फिर ये बारिश से फिर फसल नष्ट हो गई है, लेकिन इस मामले में सरकार का अभी तक कहीं कोई ये बात नहीं आई कि इनको कैसे मुआवजा दिया जाएगा। इस समय किसान परेशान है, वैसे ही उसको खाद मिल नहीं रही है, बिजली मिल नहीं रही है, ऊपर से फसलें नष्ट हो गई है। तुरंत सरकार को उनको मुआवजा देने की नीति का घोषणा करना चाहिए। किसान बोनी कर रहा है और उसका पानी गिरता फसल नष्ट हो जाती है, लगातार किसान परेशान है। और जैसा मैंने कहा कि ना उनको खाद मिल रही है ना बिजली मिल रही है, इसके लिए कोई स्पेशल पैकेज सरकार को करना चाहिए। वैसे कुछ करेंगे नहीं और सरकार से ये चुनावों के अंदर जनता बदला लेगी कि उसने आम जनता को किसानों को बहुत परेशान किया है। कमलनाथ जी की सरकार, 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, उसके बाद रोक दिया, तो वो जो किसानों के पैसा मिलना था 55 लाख टोटल, वो भी मिल नहीं पाया है।